बड़वानी से प्रदेश के पशुपालन मंत्री के गृह क्षेत्र के हाल सड़कों पर घूमती गाय पॉलिथीन खाकर कर रही गुजर बसर। मंत्री कहते एक भी गाय सड़कों पर नहीं आएगी नजर, सबको गौशाला भेज करेंगे उनकी सेवा। प्रदेश सरकार एक और गौशाला का उद्घाटन कर गाय माता के प्रति अपनी निष्ठा दर्शाकर वाहवाही लूटने का प्रयास करती नजर आ रही, लेकिन हकीकत में सरकार और सरकार के जवाबदार कितने गंभीर हैं इस वीडियो को देखकर आप आसानी से लगा सकते हैं अंदाजा। ये वीडियो प्रदेश या जिले का नहीं बल्कि जिला मुख्यालय बड़वानी का है, जहां प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल निवास करते हैं, लेकिन फिर भी शहर में कहीं भी आवारा पशुओं का जमावड़ा देखा जा सकता है। कहीं गाय झुंड में पॉलिथीन खाती नजर आएगी तो कहीं झुंड में बैठी हुई, लेकिन इन्हें देखने वाला कोई नहीं। हालांकि मंत्री प्रेम सिंह पटेल से जब इस मामले में बात की तो उन्होंने कांग्रेस सरकार में बनी गौशालाओं के उद्घाटन करने की बात करते हुए खुद की और सरकार की पीठ थपथपा दी। साथ ही मंत्री ने कहा कि अब तक भी गाय सड़क पर नजर नहीं आएगी और अगर आई तो पशु मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी की बातों में कितनी गंभीरता है इस समय पर दिखाई देगा। दादा, आज भी बड़वानी जिले में देखने को मिल रहा है कि जो पशु हैं सड़कों पर देखे जा रहे हैं, पन्नी खा रहे हैं, पॉलिथीन खा रहे हैं, दुर्घटनाओं का भय बने रहता है। पशु पशु गाय बैल पन्नी खा रहे हैं। देखो, हम लोगों ने अभी अभी गौशाला तलवाड़ा में खुली गई है। बड़वानी की जो भी गौ माता है उसको ले जाकर हम रख रहे हैं, उसकी जान भी बचाएंगे और अच्छा मतलब उनको चारा भी खिलाएंगे, पालन पोषण भी करेंगे। और समूह बढ़ाकर हम लोगों ने और भी एक हमारे बड़वानी के पास में पंचायत में भी एक गौशाला बन रही है, जो बड़वानी में जितनी भी गाय हैं जिस प्रकार हुई दिखेगी तो हम लोग वहाँ ले जाते हैं। आज भी सड़कों पे मिलती है गाय और देखो एक भी गाय नहीं दिखेगी, सभी गायें मतलब गौशाला में जाएगी। ये आदेश हम लोगों ने माननीय कलेक्टर साहब से और सीओ साहब से इसी हिसाब से भी हम लोगों ने ये अपने सीएमओ से भी की है। अगर गो पालक छोड़ता है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई वाली बात होगी कि नहीं? बिल्कुल करें कार्रवाई। दो मालिक खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।